जनपद रामपुर में कुल 19 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। ये सारे केसेस उन रैंडम सैंपल्स में से हैं जो 11 तारीख को लोग अहमदाबाद से ट्रेन से आए थे और 12 तारीख को उनका सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस तरीके से कुल मिला के हमारे यहाँ अभी एक्टिव केसेस की संख्या 34 हो गई है। हालांकि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से आए सभी लोगों पर लगातार हमारी कड़ी निगरानी है और ये जितने सैंपल्स अभी आए हैं पॉजिटिव ये शुरू से ही क्वारंटाइन कंडीशन में हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। शेष सभी लोगों को कड़ी निगरानी में होम क्वारंटाइन किया गया लेकिन उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये जो नए केसेज आए हैं इनसे हम सभी लोगों को एक तो सबक लेने की ज़रूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पूरी सख्ती से जो क्वारंटाइन की कंडीशन है और सख्त अनुशासन में इसको पूरा करें जिम्मेदारी के साथ। और किसी भी दशा में अगर क्वारंटाइन कंडीशन की कोई उल्लंघन करता है उसकी सूचना मिलती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और हमने लगा भी दिया है, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई है और की जा रही है। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों को अब अतिरिक्त सतर्कता की ज़रूरत है और उन सारे लोगों से जो बाहर से आए हैं कहीं से भी आए हैं इसके लिए सभी लोगों को पुलिसिंग के काम में लगना पड़ेगा, केवल प्रशासन को नहीं। जितने लोग बाहर से आए हैं सारे लोग देखें, उनको किसी भी दशा में क्वारंटाइन कंडीशन से बाहर ना आने दें कम से कम 21 दिन तक, और 21 दिन तक उनके संपर्क में बिल्कुल ना आए। खास तौर से ये याद रखें कि परिवार में भी जो बुजुर्ग हैं बीमार हैं वो उनके संपर्क में बिल्कुल ना आए। ये एक शर्त थी जो लोग बाहर से आने के लिए इतनी जिद किए हुए थे, शासन के द्वारा उनकी व्यवस्था की गई तो ये एक शर्त थी कि उनके द्वारा संक्रमण का खतरा ना फैले। हमारी जिम्मेदारी होगी सभी की सामूहिक कि इसको हम रोकें ताकि लॉकडाउन का जो हमारा इतनी बड़ी मेहनत है वो किसी भी तरीके से बर्बाद ना होने पाए। ये याद रखिए कि लॉकडाउन हम लोगों की सुरक्षा के लिए था लेकिन अगर आज हमने इन सारी चीज़ों को होने दिया तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि सारे लोग इसमें मिलकर सहयोग।